आप भी आगे आ जाइए। पारी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आपकी बेटी की तरह हूँ और आपने भी मुझे अपनी बेटी की तरह माना। इवन मेरी, आपने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया है, तो आपके लिए एक गिफ्ट है, गिफ्ट नहीं एक सरप्राइज है, क्योंकि आपने हर चीज़ लेने से मना कर दिया था। बहुत बहुत हिम्मत जुटाई है मैंने वो लेने के लिए, क्योंकि मुझे डर लगा था आप डांटो ना, तो आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, बाहर चलना पड़ेगा हमारे साथ। जो है वो बने रहे यहाँ पर। बिना खाना खाए बाहर छोड़ने जाती है। तो पाई का गिफ्ट अभी पाई को पता चलने वाला है, पाई का सरप्राइज नॉट गिफ्ट। मॉम का सरप्राइज नजर आने लगा, मगर मैं चाहती हूँ पाई को नजर आए सबसे पहले। पाई खड़े हो, मॉम खड़े हो, मॉम उधर से, मॉम उधर से आगे सर। इस सरप्राइज की उम्मीद भी नहीं थी। तो गाइस यही है वो सरप्राइज जो मैं पाई को देना चाहती हूँ, काफी टाइम से सोच रही थी और आज वो पूरा होता है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ, बट कोई बात नहीं। पाई पहले आप खोलो, ताली बजा दो, हमें तो जरूरत नहीं थी ना बेटे सारी गाड़ी। भाभी ने मुझे गाड़ी गिफ्ट करी है, इसकी क्या जरूरत थी भाभी? भाभी मैं शादी के बाद चला जाऊंगा, कौन सा लेगा गाड़ी, क्या जरूरत थी? फ्रेंड्स यहाँ पर शादी मेरी है, दूल्हा मैं हूँ और कोई मुझे ही नहीं पूछ रहा, क्योंकि मेरे से ज्यादा पूछ तो मम्मी और पापा की हो रही है। मम्मू पाई के हर जगह नारे लग रहे हैं, लखन का किसी को नहीं पड़ी। यार देख लो क्या हो रहा है, शादी वाले दिन इज्जत नहीं है, पता नहीं आगे तो क्या ही होगा। अभी पाई प्लेट ले रहे थे, मैंने कहा पाई अभी फंक्शन बाकी है, खाना खा लूं पहले। भाई मुझे भूख लगी, चुपचाप पीछे से ले जाओ, ठीक है? मैं स्टेज के पीछे जाऊंगा ऐसे करने, एकदम से निवाला नहीं देकर। तेरे बिन जीवन लगना है, मर गई है, फल चूड़ी
का चमकदार गहना हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। पार्टी शुरू हुई है। हमारे प्यारे बाबूजी आप मुझे पकड़ने आए हैं, वरना भाग रहे थे बाबूजी, है ना बाबूजी? बाबूजी तो गाइस हमारी पार्टी अभी खत्म होती है मगर इनका खाना खत्म नहीं हो रहा। मम्मी के साथ एक भी मैंने फोटो नहीं लिया, मैं मम्मी को फोर्स करी, मम्मी एक तो कम से कम ले लो, मम्मी ले फोटो ले एक साथ, मम्मी वही नहीं ले दिया फोटो। अब सब कुछ हो गया, लेकिन नीतू क्या करने पे लग रही है भाई? अभी निकाल आज का दिन बहुत अच्छा हमारा बीता, पूछी की बहुत याद आ रही है। थैंक यू लोकेश भाई। अरे यार थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं, नहीं नहीं भैया ने, और वो तो सामने भैया बैठे दीपांशु भाई, अगर दीपांशु भैया नहीं होते तो विभांशु भाई, विभांशु अगर विभांशु भैया नहीं होते तो हमारी लोकेशन नहीं होती, और लोकेशन हो गई है और इतनी अच्छी सजावट नहीं होती अगर हमारे लोकेश भैया नहीं होते। और लोकेश भैया से आप लोग जुड़ भी सकते हो। लोकेश भाई जरा सा अपना प्रोमो कर दो यार, बता दो लोगों को कहा हो आप। मैं थोड़ा सा एक छोटा गुमक्कड़ मास्टर जी, गुमक्कड़ मास्टर जी। तो जो भी ट्रैवल व्लॉग्स देखने के शौकीन है ना, वो हमारे भाई को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ चैनल, आप लोग जाइए देखना, बहुत बहुत मजे आएंगे आपको। शायद मजा आए नहीं, अच्छा क्योंकि हमें आता है देखने में। भाभी जी नमस्ते। नहीं भैया, भाभी और दीवांशु भैया ने बहुत, ये भैया मेरे फेवरेट है इधर, ये भाई अपना हेल्पिंग नेचर का है ना, मतलब कभी भी इसको मैं कभी भी कॉल करूंगा भाई उसी समय प्रेजेंट हो जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी फैमिली हो। मैं भैया को देखती थी ना, मैं सोचती यार काश भैया मेरे भाई होते, मतलब भैया अपने घर वालों के लिए तो है तो, लेकिन अभी नहीं, अभी मैंने उनको बोला लड़कों वालों की तरफ से है वो, इनकी तरफ खींचातानी चल रही है। #teambright अभी तो यार लोकेश भाई, तो गाइस वो मैंने झूठ बोला था, आप मत करना जाके। गाइस आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ, दुनिया में दो तरीके के लोग हैं, एक और दो। भाई लेकिन हैट्स ऑफ यार, मैं देख रहा हूँ कोई इंसान कैसे दल बदलू हो सकता है ना। सूरज तू डेफिनेशन है, अगर मुझे एग्जांपल देना होगा ना दल बदलू का, तो मैं बोलूंगा भाई सूरज है क्या किसी को। तू मेरी तरफ से था, तू लड़की वालों की तरफ से था, आपको लड़की वालों की तरफ से। हाँ मैं भी लड़की वालों की तरफ, क्योंकि आज मेरे को किसी ने भाव नहीं दिया तो मैं भी लड़की वालों की तरफ हो गया। यहाँ इज्जत मिलेगी मेरे को खुद, भाई मेरे घर वाले आए और मेरे को भूल गए। मेरी तो तारीफ करनी चाहिए थी, यहाँ भी आपका साथ दे रहा हूँ, ये बात तो मैं मान गया। अजय तुझे एक चीज देख, सब लोग गए और मुझे ही छोड़ गए, किसी को पता भी नहीं लड़के वाले क्यों, लड़की वाले खुद पूछ रहे हैं। मैं भी लड़की वालों की तरफ से हूँ, ठीक है? नो नो नो, क्या नो? अरे हाँ लड़की वाले खुद पूछ रहे हैं, आप दो जोड़े लड़की हुई हमारी, तो लड़की हमारी यार। आई एम गेटिंग फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत टाइम से बताना चाहता हूँ, तू क्या मेरे इतने पास आता है, अलग जा, इसके लिए कोई लड़की ढूंढूंगा मेरे चक्कर में नहीं लड़ाई।